अबाउट टू लीव फॉर अमृतसर और हम समोसा खाएंगे वहां पे। अभी हम अखनूर से ओके बाय निकल रहे हैं, कहां तक? अमृतसर, जम्मू, जम्मू से जाएंगे अमृतसर, अमृतसर से जाएंगे उसके बाद जम्मू से जाएंगे अखनूर, फिर वहां पे मिलेंगे हम, ठीक है? बाय बाय, समोसा बाय बाय। तो जा रही हूं मैं, नहीं जा रहा, मुझे ज्यादा नहीं था, फोर्स किया जा रहा है, मैं उतर जाऊंगी। सब निकल जा रहे हो, ये हमारे मेन टूर गाइड पापा टूर लीडर है, टूर लीडर और ये है असिस्टेंट लीडर। इधर असिस्टेंट लीडर देखो, नहीं देखूंगा। ठीक है, हम ऐसे पागल के ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है? गाड़ी स्टार्ट होते ही खाना भी स्टार्ट हो गया, इतनी गर्मी है कि गाड़ी में चढ़ते ही हम लोगों ने एक एक आइस कैंडी पकड़ लिए हैं। ये मैंगो है, शुरू चढ़ते ही नहीं, आधा किलोमीटर आके, आई थिंक आधा किलोमीटर। लोगों कुछ बोलना है? हाउ इज योर आइसक्रीम? नाइस, इसमें डेट्स लिखा है पूरा मैडम। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भगवान लिखो आइसक्रीम में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग और दिखा। यहाँ पे हम आधे रास्ते में उतरे हैं सांबा में टू हैव सम टी। एक्चुअली मेरे सिस्टर ने सजेस्ट किया ये प्लेस, वो पहले यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ का पनीर टिक्का बहुत अच्छा है बोलते हैं, तो हम ट्राई करेंगे। इसके इंटीरियर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरे बैम्बू से बना हुआ है एंड रोप से, थोड़ा सा प्लास्टिक फ्लावर एक कोने में लगा है, वो क्यों लगा है मुझे पता नहीं, बट स्टिल इट्स ओके नाइस। मुझे एक्चुअली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है प्लास्टिक चीज़ें। तो अभी हम पहुँचे हैं एक नई सर रेस्टोरेंट में जिसका नाम है डुगर हवेली, एरिया का नाम है सुकवाल। ये जम्मू से अमृतसर जाने का रास्ते में आता है, लेफ्ट साइड में आता पड़ेगा। देखते हैं क्या मिलेगा, खाने के बाद आपको फिर से बताती हूँ। तो अभी मेरे पास मेनू है डुगर हवेली का, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और ऑर्डर करते हैं कुछ लाइट सा, उसके बाद खा के आपको बताएंगे। सी द मेनू, ब्रेकफास्ट के आइटम्स भी हैं, शेक्स, नॉन वेज, सूप, वेज स्टार्टर्स, चाइनीज, काफ़ी सारे चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि हम घर से लंच करके निकले हैं और अभी बस एक डेढ़ घंटा ही हुआ है, तो हम कुछ हल्का सा स्नैक और चाय लेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हमने पनीर टिक्का ऑर्डर किया है और चाय के साथ मिक्स वेज पकौड़ा भी ऑर्डर किया हुआ है। How is it? Good. Only good? पहले सॉस ले लो। No, extremely good. Okay. How is it good, Dugu? Okay. Only very good? Amazing. अभी बारी है मेरी, मैं देखती हूँ कैसा लगता है मुझे। काटने के टाइम तो बहुत ही सॉफ्ट है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, लेट्स सी। ब्यूटीफुल टेक्सचर, बहुत ही अच्छा टेक्सचर एंड सॉफ्ट एंड लुक्स यम, अनु को दे दो, ब्यूटीफुल यम्मी। प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी कम है, बहुत ही नरम, हल्का सा टैंगी और जलना हुआ जो स्मोकी फ्लेवर, बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर है, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा है। बड़ा सा चंक था पनीर का और स्मोकी टैंगी एंड जैसे होना चाहिए, बहुत ही अच्छा। और उसके साथ ग्रीन चटनी, हरी चटनी भी बहुत टेस्टी है, मस्ट ट्राई। साइड में कैप्सिकम तो बैलेंस इट आउट। ये पकोड़े और चाय, गर्मा गर्म चाय और पकोड़े, देखते हैं पकोड़ा का टेस्ट कैसा है। बहुत गर्म है, बढ़िया। ये आलू के पकोड़े हैं शायद, मिक्स वेजिटेबल्स पकौड़े हैं। अच्छा अच्छा है, प्याज, हाउ इज इट?
मैडम मनु हाउ इज इट गुड सर शी गॉट इट वैलिड ऑन यूट्यूब शेमलेस प्लग लाइक विशाल तुम्हें कैसा लगा अच्छा लगा ललित भाई आपको कैसा लगा डिलीशियस ग्रीन अम्ब्रेला लाइक इट ग्रीन सब अपना अपना कर लो प्लग यस हाउ इज द चाय नहीं जैसा है वैसा बोलो जेन्युइनली बहुत अच्छा नहीं है बट अच्छा अब देखते हैं चाय का टेस्ट कैसा है अच्छा है हमने एक्चुअली थोड़ा पानी वाला बनाने के लिए बोला था उसी के हिसाब से अच्छा है गुड वन आके यहाँ पे ट्राई कर लो डुग्गर हवेली पे पेड़ नहीं है ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा है गुड़ की डली जो कि आया है हमारे लिए माउथ फ्रेशनर गुड़ की डली यू फाइंड दिस डेजर्ट गुड फिनाले इज माउथ फ्रेशनर गुड़ इज गुड यहाँ पे वॉशरूम्स है यू गो एंड चेक हाउ इज इट स्मेल आ रहा है बहुत से क्लीन है लेकिन स्मेली है तो फिर निकलते हैं यहाँ से हो गया हमारा काम अभी नेक्स्ट आगे की जर्नी अभी हम निकले हैं सांबा से अमृतसर की तरफ जहाँ हम ढाबे में रुक के खाना खाए हैं दैट प्लेस वाज दैट सांबा सांबा कितने आदमी थे जितने क्या आपके पास में धन है क्या आपकी जिंदगी में धन है क्या आपका समोसा में आलू है में पानी है आपका अंडा बिरयानी में चिकन है So after some hopeless jokes, we are heading to find out these interesting stuffs. पता नहीं क्या है, बहुत सारे stuff दाल बड़ा तो हमारे चेक करने कैसा है? चना दाल से बनता है? सब जगह यही दाल बड़ा बन रहा है लखनपुर ओके अभी हम रुके हैं लखनपुर में दाल बड़ा खाने के लिए यहाँ पे ये दाल बड़ा बहुत फेमस है पूरे लाइन में यहाँ पे पूरे दाल बड़ा बहुत सारे स्टॉल्स है तो यहाँ पे थोड़ा लेके जाएंगे हम दिखाओ ऐसे दिखता है चटनी वटनी के साथ ये क्या मूली है भैया ओके मूली और चटनी के साथ दाल बड़ा ये है चना दाल का दाल बड़ा वो गीला होने से अच्छा लग रहा है भी चला जाओ तो लखनपुर में दाल बड़ा टेस्टिंग के बाद हम निकले और आगे अभी ऑलमोस्ट इवनिंग होने लगी है तो हम रुके हैं एक जगह पे चेन्नई एक्सप्रेस पंजाब में चेन्नई एक्सप्रेस का नाम देखे रुके थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे हमने बस बच्चों के लिए नींबू पानी और बड़ों के लिए कॉफ़ी ही लिया था और कुछ ट्राई नहीं किया है आप अगर आए तो ट्राई कर सकते हैं नाउ वी आर नियरिंग पठानकोट इवनिंग हो गया अंधेरा हो गया है रास्ते में काफ़ी जगह पे हमने देखा ऐसे बड़े बड़े एरिया में फायर्स थे मतलब आग जला के रखे थे लोगों ने शायद फार्मलैंड से बहुत सारा धुआं था इट वाज नॉट प्लेजेंट एट ऑल देख के ही बड़ा बेचैनी सी हो रही थी इतने ही सारे जगह पे आग क्यों लगाया हुआ है इट वाज नॉट गुड तो हम दोपहर 3 बजे निकले थे और अभी 9:30 हो रहा है वी आर ऑलमोस्ट देयर हमारे गेस्ट हाउस के पास पहुँच गए अमृतसर में अभी बस नहाएंगे खाना खाएंगे और सो जाएंगे गुड नाइट चलो वीडियो देखने के लिए थैंक यू कल फिर मिलते हैं अमृतसर सिटी टूर के साथ पर ये था लास्ट मील दाल चावल रोटी सब्जी